नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। राजनीति का रंग निराला है, बदलते दौर के साथ ही राजनीति का रंग भी बदल रहा है। राजनीति में आने के लिए नेता ता उम्र संघर्ष करते रहते हैं, एक बार आने के बाद सियासी दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। चुनाव का ऐसा जुनून चढ़ता है कि नेता ता उम्र दावेदारी करने में लगे रहते हैं और चूकते नहीं है। सुगर फ्री सियासी सुगर ऐसे लगती है कि 80 की उम्र में भी टिकट के लिए एक बार धोखे से भी मुंह से ना नहीं निकलता। खैर, राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन कभी कभी युवा भी बड़ा खेल कर जाते हैं और उम्र का तजुर्बा धरा का धरा रह जाता है। चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों से हटकर जातिगत समीकरण होते हैं। ऐसे पार्टी और प्रत्याशी हर हाल में साधने में नहीं चूकते, और यही हाल होता है इस विधानसभा में जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। क्षत्रिय वोटर के साथ साथ ओबीसी वर्ग की भी खासी भूमिका रहती है, और इन्हीं जातिगत समीकरण को साधने के चलते विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं, जबकि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी सहित तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय जनता इन्हें भूलकर फिर 5 साल तक रोना रोती है और माननीय मौज काटते हैं। खैर, मतदाता को चाहिए कि अपने स्वविवेक से बिना किसी प्रलोभन में, बिना दबाव में आए सही उम्मीदवार का चयन करें। विराट 24 न्यूज की अपील आप मतदाताओं से है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, 17 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं। आइए अब जानते हैं रीवा जिले की गुड़ विधानसभा में क्या समीकरण बन रहे हैं। पहले आपको बता दें वर्तमान में कुछ प्रत्याशियों के नाम, जहां बीजेपी से नागेंद्र सिंह, कांग्रेस से कपिल ध्वज सिंह, प्रखर प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी से, तो 3 क्षत्रिय प्रत्याशियों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी से लालमणि त्रिपाठी भी उम्मीदवार है। वर्तमान की स्थिति की चर्चा करने से पहले जानते हैं पिछले कुछ चुनावों के परिणाम कब किसने मैदान साधा। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नागेंद्र सिंह चुनाव जीते, जबकि 98 में बीएसपी से विधायक बनी विद्यावती पटेल दूसरे में पहुंच गई, जबकि गुड़ की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे में रही, और पूर्व विधायक विश्वंभर नाथ पांडे 3 के चुनाव में पूर्व विधायक ही रह गए, और कांग्रेस चौथे में खिसक गई। 3 के चुनाव में कांग्रेस की पतली हो चुकी हालात को 8 के चुनाव में राजेंद्र मिश्रा ने दूसरे में घसीट कर लाए, जबकि बीजेपी के नागेंद्र सिंह फिर मैदान मार गए। गुड़ के लिए 13 का सियासी सफर अलग रहा, जहां नए नेताओं का उदय हुआ तो 8 के विधायक पूर्व विधायक भी कहलाए। हम बात कर रहे हैं 2013 के चुनाव की। सभी पार्टियां जमीन तलाश रही थी, और कांग्रेस से इस बार अमहिया कांग्रेस के विरासतदार स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी थे। अब थोड़ा 13 के समीकरण को याद रखिएगा, यही 23 में भी बन रहे हैं। बीजेपी से नागेंद्र सिंह मैदान में थे 13 में, और एक निर्दलीय नेता मैदान में आकर नागेंद्र सिंह का खेल बिगाड़ गया। हम बात कर रहे हैं कपिल ध्वज सिंह की। 2 क्षत्रिय प्रत्याशियों की लड़ाई के बीच मैदान फतह कर ले गए कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी, और 2013 के चुनाव में कपिल ध्वज सिंह उभर कर आए। वहीं 18 में उम्मीदवार वही रहे, बस जीत हार के क्रम में बदलाव हुआ, जहां बीजेपी ने नागेंद्र सिंह को फिर टिकट पकड़ाया और यह आखिरी चुनाव कहकर भावनात्मक हथकंडा अपनाया, और 18 के चुनाव में नागेंद्र सिंह पूर्व विधायक से एक बार फिर गुड़ के विधायक बने, और कपिल ध्वज सिंह साइकिल की सवारी कर 2 में उभर कर आए, और कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी तीसरे में खिसक गए। 13 के समीकरण तो आपको याद ही होंगे। ब्राह्मण बाहु क्षेत्र गुड़ में 2 क्षत्रिय नेताओं के बीच सुंदरलाल तिवारी चुनाव जीते थे। ठीक यही समीकरण कुछ इस बार बन रहा है, जहां इस बार 2023 के चुनाव में 2 नहीं, इस बार 3 क्षत्रिय प्रत्याशी हैं, जबकि लालमणि त्रिपाठी भी कम्युनिस्ट पार्टी से मैदान में है। बीजेपी ने अपना सबसे पुराना पिटारा खोला है और बुजुर्ग प्रत्याशी को टिकट थमाया है। बीजेपी भली भांति जानती है कि कई वर्गों में बटी गुड़ की राजनीति में नागेंद्र सिंह ही सभी वर्गों में पैठ बना सकते हैं, जबकि इस बार भी क्षेत्रीय मुद्दों और विकास को छोड़कर निवर्तमान विधायक अपने पुराने पैतरे आखिरी चुनाव का भावनात्मक हथकंडे का खेल खेल रहे हैं, जबकि 2 बार चुनाव लड़ चुके कपिल ध्वज सिंह अपने क्रम सुधार के लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं, और कांग्रेस ने कई उम्मीदों के साथ टिकट भी दिया है। अब यह कितना कारगर साबित होता है यह तो जनता तय करेगी।
इन दिनों इस विधानसभा की चर्चा बड़ी वजह है, जहां सात समंदर पार करके चुनाव लड़ने के लिए एक 25 साल का युवा अमेरिका से रीवा अपने गांव आया। यह आर्किटेक्ट युवा अमेरिका में करोड़ों रुपए सालाना के पैकेज में काम करता था। खैर, हम बात कर रहे हैं आप पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह की, जिनकी सुर्खियां इन दिनों खूब चर्चा में है। हवा है कि ये युवा उम्मीदवार गुड़ की सियासत की समीकरण को त्रिकोणी मुकाबले में तब्दील कर दिया है। लेकिन जरा रुकिए, 13 के समीकरण तो आपको याद ही होंगे। उसी तरह इस बार लालमण त्रिपाठी मैदान में, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, और सबसे बड़ी बात, लालमण त्रिपाठी खुद के दम में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते थे और कम्युनिस्ट पार्टी से है, गुड़ विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक भी रह चुका है। अब ऐसे में तीन क्षत्रिय प्रत्याशियों के बीच लालमण त्रिपाठी ब्राह्मण बाहुल सूबे में मैदान में है, जैसे 13 के विधानसभा में सुंदरलाल तिवारी। अब ऐसे में इस बार गुड़ का सियासी समीकरण जटिल हो गया है। गुड़ की राजनीति किस करवट बैठती है, कुछ कह पाना संभव नहीं है। अब जनता किसकी ताजपोशी करती है, यह तो 17 को मतदान और 3 दिसंबर के परिणाम में ही पता चलेगा।